अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। देखिए अभी हम सुबह में अभी अपना बच्चा लोग के लिए टिफिन बना रहे हैं, कि चावल फुलाए थे रात में। अभी हम चावल और चना का लेके क्या कहते हैं बचका बनाएंगे, और वही हम आज लोग को टिफिन में देने वाले हैं। ये मेरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और देखिए हम फटाफट, अभी 6 बज रहा है और अभी हम जल्दी जल्दी बनाने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमको बना के उन लोग को रेडी करना पड़ता है। देखिए एक बार पीस लिए थे चावल, दूसरा बार में पीसने के लिए हम डाले हैं, अब हम पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों हम चावल पीस लिए हैं, इसमें चना डाल दिए हैं और धनिया पत्ता है, कच्चा मिर्चा है और प्याज डाल रहे हैं। प्याज भी कुछ काट के डाल दिए हैं। देखिए प्याज भी डाल रहे हैं इसमें हम। उसके बाद हमको जल्दी जल्दी इसको बनाने के बाद फिर अभी हमको उन लोगों को तैयार करना है, खिलाना है। और सबसे पहले हम इसमें बच्चे लगी पानी चढ़ा दिए गरम, कहे कि उठेगी तो मुंह भी धो लेगी और पीने का भी काम में आ जाएगा, और टिफिन में जो जाती है बोतल में लेके भी चल जाएगा। देखिए प्याज भी डाल दिए, अब इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा एक चुटकी भर बस हल्का सा डाल दिए। इसमें हम हल्दी का जगह डालेंगे पुलाव का रंग, थोड़ा सा देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे। अब हम इसको चला लेते हैं, अच्छे से चला लेंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरे बच्चों लोग को पसंद पड़ता है कि नहीं, इसे खा लेगी बड़ी वाली, छोटी वाली थोड़ा बहुत पैतरा करेगी, लेकिन सॉस के साथ वो भी खा लेगी। इधर हम पानी भी चढ़ा दिए, पानी भी मेरा हो गया, अब हम इसको उतार के तवा चढ़ा देते हैं। फिजा उठ जा, मुंह धो ले, फिजा पानी गर्म हो गया रे। दोस्तों इसको रेडी कर लिए फेट के सब डाल के, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हल्दी से ज्यादा अच्छा कलर आता है, और हल्दी हम लोग बहुत कम डालते हैं ये सब चीज बनाते हैं तो। और इधर देखिए हम चाय भी खौला रहे हैं, इधर तवा भी चढ़ा दिए देखने के लिए, फटाफट हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। बाबू को उठाए हैं, वे चाय सिर्फ चपत्ती डाल के खौला रहे, कहे कि बिना चीनी के चाय निकाल लेंगे, कहे कि मेरा मम्मी शुगर पेशेंट है, इसी वजह से पहले हम बिना चीनी के चाय निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें हम चीनी फिर ऐड करके खौलाते हैं। देखिए दोस्तों हम बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे एक बना के निकाले हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगता है। और देखिए हम चाय खोला के यहाँ पे निकाल लिए अपना मोमाला, और हम यहाँ से झाँप देते हैं, वो लोग अभी पी ही नहीं, झाँप देते। और बड़ी बेटी तो उठ गई है, लेकिन छोटी वाली उठी है नहीं, उसको उठाने पड़ता गोदी करके, फिर उसको मुंह धुलाने पड़ते, इसी वजह से हमको सुबह उठने पड़ता है। उन लोग का स्कूल है 7:45, लेकिन हमको सुबह ही उठने पड़ता है, नहीं नहीं सॉरी 7:30 नहीं 8:15 में, 7:45 में था तो चेंज हो गया। और हमको सुबह उठ के हमको ये सब जो टिफिन उफिन बनाने रहता है, पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद उसको उठाते हैं, आधा घंटा उसको दुलार करते हैं, ब्रश कराते हैं, खिलाते हैं, तब जाके फिर उसको हम ड्रेस पहनाते हैं, कहें कि वो पढ़ने जाती है, मैं हम लोग को परेशान करती है। अभी देखिए उठा रही है, मेरा मम्मा तो बोल रही है कि मारेंगे ना नानी आपको भी, बहुत बदमाश है वो। और बड़ी वाली उठी है, पानी दी है तो गर्म करके, मुंह धो रही है वो। चाय जल्दी से हम पहले बना लिए, चाय पी बन भी जाएगा तो अपना पापा को भी दे देंगे हम चाय का साथ में। वैसे ठीक है, मिलते हैं आप लोग से हम बनाने के बाद। दोस्तों बना लिए हम, बना के रेडी कर चुके, अब हम जा रहे पहले खिलाने के लिए, उसके बाद फिर हम उन लोग को तैयार करेंगे। चल फिजा निकाल देते हैं, तुम करो।
जा चुकी है। और अभी हम देखिए एकदम जल्दी जल्दी चूल्हा जला के बाकी काम सब कर लिए थे, करके उसके बाद देखिए चूल्हा जला के अपन खाना चढ़ा दिए हैं, भात भी इधर चढ़ा दिए हैं, तक पानी भी देखिए नल भी खुल गया है। देखिए कितना सारा कपड़ा है, जो फटाफट धो लेंगे इतना कपड़ा है, उसके बाद ब्रश करेंगे, कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, नहाएंगे, उसका बाद फिर हम देखिए सब तैयार देख सकते हैं। सुबह उठ के बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत काम हो जाता है, इतना काम इतना जरूरी है, करते करते कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है। सब पहले हम कपड़ा धो लेते हैं, ताकि नल फिर बंद हो जाएगा तो फिर हमको छत पे ले जाके धोने पड़ेगा, धूपने रखिए नहीं तो फिर यहीं पी धो लेते हैं। लेकिन अभी खुला हुआ, अभी मेरे चावल जब तक पड़ा तब तक हम अंदर कपड़ा भी धो देते हैं। दोस्तों अब हम मैंने फुर्सत हुआ हमको सारा काम करके कपड़ा वपड़ा धो के, उसके बाद फिर हम घर और पोछा मारे मार के, अभी बज गया है 11:10 बाकी। अब सोच रहे हम नाश्ता 10 मिनट में कर ले कि फिर हम एक ही बार लेके आके करेंगे, खा के जाने के बाद ना चल नहीं सकते। देखिए मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया, हम आलू का भुजिया बनाए हैं देखिए, और दाल भात बनाए हैं। अब हम पहले सबसे पहले थोड़ा कुछ खा लेते, कहेंगे 11 बज के बहुत ज़ोर से भूख लग गया। मेरे बकरी को भी मेरे पापा खोल दिए नदी में, अभी तक उतना धूप नहीं निकला है, हल्का हल्का धूप निकला है देखिए। उसके बाद हम जल्दी से नाश्ता करते, हल्का सा ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक वही जो छिलका बनाए हैं बच का वो खा के, और उसके बाद लाने जाएंगे हम, उसके बाद लेके आएंगे तब फिर बाबू को खिलाएंगे, तब फिर हम खाएंगे। दोस्तों कल हम ये वाला निकाब खरीदे थे, आया था बिकने के लिए, ये देखिए ये वाला निकाब खरीदे थे डेली यूज करने के लिए, जो घर में पहन के जाते थे डेली यूज करते थे, और थोड़ा कुछ खराब हो गया था मैंने इसी वजह से, फिर हम ये वाला आया था बिकने के लिए तो खरीदे। और अभी हम यही पहन के चलते अपना बेटी को लाने के लिए, सिर्फ 5 मिनट बाकी 11 बजे में, और छुट्टी होता है 11:10 जब तक हमको जाते जाते 10 मिनट टाइम भी लगेगा, ठीक है। दोस्तों पहन लिए जो नया निकाब खरीदे थे हम कल, देखिए कैसा लग रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों अभी रात हो चुका है, और रात ज्यादा काफी नहीं हुआ है, करीब बज रहा है 7 अभी, और सर पढ़ा रहे हैं, उनका सर भी आ गए हैं, हम रात का खाना भी बना लिए हैं, जस्ट बना के बैठे हैं, और सर को भी चाय दे दिए हैं, और बच्चों मेरा बेटी तो जानते हैं आप लोग चाय पीती है, लेकिन हम उसको चाय ज़्यादा नहीं देते हैं, सिर्फ हल्का सा चाय दे के दूध दे के हम उसको वो पी देती है, उसके बाद फिर रूम पढ़ने बैठती है, और अंडा उंडा सिझा दिए उन लोग, अभी पढ़ रही है, पढ़ के उठेगी तब खाएगी, और हम रात का खाना सवेरे ही बना लेते हैं, कहे कि दोनों बेटी मेरा डरती है बहुत ज़्यादा, सर पढ़ाने का बाद ना मेरे ही पास में रहेगी तो फिर हमको छोड़ेगी नहीं, फिर पकाने नहीं देती, और किसका इंतज़ार करेंगे, सिर्फ 2 माँ बेटी तो है ही हैं, इसी से हम लोग जल्दी जल्दी पका लेते हैं और खाना खा के अपना बेडरूम में पड़े रहते हैं। और ठीक है आप वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं करते हैं, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद पड़े तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।